नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पे राजद के तमाम जो वरीय नेता हैं वो मौजूद थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी मौजूद नहीं है, पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है इसलिए वो काफ़ी समय से दिल्ली में है। आज तमाम नेताओं की मौजूदगी में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के बाद राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से हमने बढ़ती महंगाई को लेकर और जो आने वाले विधानसभा सत्र जो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है उस पे जब सवाल किए तो उनका क्या कुछ कहना है ये सुन लेते। देखा होगा कि दोहरा मापदंड वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। तो अब जब आपने देखा होगा कि जब महंगाई बढ़ती थी तो उस वक्त उनकी कथनी क्या थी और अब भी जो महंगाई जो है मतलब बेतहाशा बढ़ रहा है तो अभी उनकी कथनी क्या है। तो उनका जो कथनी और करनी है वो गरीब के विरोध में है, आम आदमी के विरोध में है और हम लोग अपनी पार्टी के तरफ से इसकी तीव्र निंदा करते हैं और हम लोग इस पर ठोस कारगर आंदोलन करेंगे। बजट से सर क्या उम्मीदें हैं? बजट पेश होने वाली है, बजट से क्या उम्मीदें हैं सर? कई नए चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ऐसे में बजट भी पेश होने वाली है, क्या ये डमी बजट साबित होगी? नहीं, ऐसा है ना कि मैं एक चीज कहेंगे, बजट पे जो एनडीए सरकार का बजट आता है हर साल जी, तो ये हर साल अपना पीठ ठोकते हैं कि हमारा बजट का आकार जो है इतना बड़ा हो गया है, मगर ये कभी नहीं बताते हैं 31 मार्च के बाद कि जो बजट की स्वीकृति विधानमंडल के मार्फत मिली थी उसमें आपने लैप्स कितना किया। हर साल ये 35,000 40,000 45,000 50,000 करोड़ रुपया लैप्स करते हैं जिसका हिसाब किताब जो है ना वो सार्वजनिक रूप से जनता को देते हैं और बताते हैं, मगर आकार का ये कहेंगे कि हमारा तो 2,00,000 से ज्यादा 2,20,000 का 25,000 का बजट का आकार हो गया है। मगर जब थोड़े देर के लिए उन्हीं की योजनाओं के लिए उन्होंने जो बजट की स्वीकृति ली है तो इसका दायित्व तो खर्च करने का किसका है? तो अब वो कहेंगे जैसे हमारे यहाँ देहात में कहते हैं थेथरा, तो हमारे यहाँ मतलब जो होता है कि वो कहेंगे कि बजट तो अनुमान का बजट है। अरे भैया, तो अनुमान ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ अनुमान हवा में रह जाए, बजट का खर्चा कीजिए, मगर इनके बजट में खास करके गरीबों को फोकस कभी हुआ नहीं, समझा कि नहीं, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, जो हमारे युवा हैं उनके लिए ये सब नहीं है। तो इसलिए हम पहले से भी नाउम्मीद हैं जो इनका कृत रहा है उसके आधार पर। तो आप देखिए, इब्तदाई इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना था कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई हो रही है, गैस डीजल और पेट्रोल के दामे बढ़ रहे हैं, आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोरोना काल के बाद कुछ चीज़ें पटरी पे लौट रही थी लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के दाम बढ़ाए गए तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी जो आय है वो काफ़ी कम है उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हर घर में एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल होता है। ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। वहीं बिहार विधानसभा सत्र जो स्टार्ट होने वाला है 19 फरवरी से उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि आम जनता को इस बजट सत्र से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, इस बजट सत्र के नाम पर ढोंग किया जाएगा। क्या कुछ बिहार को इस बजट सत्र से मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।